नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। तो वर्षा के ऋतु में भुट्टे बहुत आते हैं, तो आज हम उन्हीं का प्रयोग करते हुए ब्रेड कॉर्न उपमा बनाने जा रहे हैं। वैसे मूंग दाल का उपमा, सूजी का उपमा, इन दोनों प्रकार के उपमा की वीडियोस पहले मेरे चैनल पर पब्लिश हैं, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, आधा कप मैंने जैसे इस प्रकार के भुट्टे रहते हैं जो दूध वाले दाने होते हैं बिल्कुल कच्चे कच्चे से, वो मैंने आधा कप लिए, उसे निकाल लिए, मतलब इस भुट्टे में से निकाल के अच्छी तरह वॉश कर लिए, क्योंकि इनमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह का छिड़काव होता है। तो उन धो के वो मैंने कुकर में पानी डालकर, एक गिलास पानी डाला था मैंने, ज़्यादा मतलब बॉयल किए थे, आप आधा गिलास पानी भी डाल सकते हैं, और उसे इस प्रकार से सॉफ्ट होने तक बॉयल कर लिया, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, ठीक है जी। तो ये लिया मैंने नींबू, इसका हमें जूस चाहिए होगा, एक प्याज बारीक बारीक काट लिया, एक टमाटर काट लिया, और एक कप मैंने लिया है ब्रेड का चूरा, जो ब्रेड की स्लाइस होते हैं उसे हाथों से ऐसे रगड़ रगड़ कर इसका चूरा बना लिया, थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, दो सूखी लाल मिर्च हैं, आधा टीस्पून राई है, हरी मिर्च का पेस्ट है, यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं, नमक है, एक टीस्पून चना दाल है, एक टीस्पून उड़द दाल धुली हुई सफ़ेद वाली, ठीक है, और तेल है, इतने इंग्रेडिएंट। हरा धनिया अगर आपके पास हो सके तो आप ले लें, मेरे को नहीं मिला। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई जो भी आप लेंगे ले लें, उसमें दो टेबलस्पून ऑयल डाल दें, ठीक है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। तो ऑयल को हम गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें, जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें चना दाल एक टीस्पून, इसे अच्छी तरह भुनेंगे, एक टीस्पून धुली हुई उड़द दाल, पंजाब में इसे माह की दाल बोलते हैं, छिलका उतरी हुई, इसे अच्छी तरह भुनेंगे ताकि जब हम इसका प्रयोग करें खाने के काम में लें तो ये कच्चापन ना आए, ये भुन जाए अच्छी तरह। अगर हम पहले राई कड़ी पत्ता वगैरह डाल देंगे चना दाल से पहले तो वो जल जाएंगे, इसलिए पहले इन दोनों चीज़ों को ही हम भुनेंगे, पर वो अच्छे नहीं लगेंगे। इधर मैं कड़ी पत्तों को भी तोड़ लेती हूँ, 10-12 कड़ी पत्ते आप ले लीजिए, अगर हरा धनिया हो तो उसे भी धोकर एक चॉप करके अच्छी प्रकार बारीक बारीक काट कर एक साइड पे रख लीजिए। हमारा जो शहर है छोटा है, कभी कभी कोई चीज़ मिलती है कभी नहीं मिलती, तो हरिया धनिया आ ही नहीं रहा, गर्मी गर्मी तो बहुत कम आया, एक दो बारी मेरे को दिखाई दिया मार्केट में तो मिला ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं ला पाई। और बाकी की चीज़ें अगर मैं हरी धनिया का इंतज़ार करती तो कॉर्न वगैरह का सीज़न है वो नहीं उपलब्ध रहता, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे स्किप कर देती हूँ, और ली बताना ही होता है कि गार्निशिंग के लिए चाहिए हमें, और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है, बिल्कुल लाल हमको इसे कर लेना है ताकि कच्ची ना रहे जैसे हम भूनते हैं। देखिए हमारी दाल का कलर कितना चेंज हो गया, जब पूरी तरह भून गई है, सिक गई है। अब मिलाएंगे लाल सूखी वाली मिर्ची, कड़ी पत्ते और राई, ठीक है, इसे अच्छी करें, तेल गर्म था इसलिए फटाफट हो जाएगा। अब जो एक प्याज काट कर रखा था मीडियम साइज़ का, उसे थोड़ा भून लेंगे, इसी के साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, जितना आपको पसंद है, तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम तीखा पसंद है तो कम डालिएगा। इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे, कि प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ही हमको ट्रांसलूजेंट होने तक भूनना है, पिंकिश सा रहना चाहिए, ठीक है जी। और अब थोड़े से टमाटर तो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़े से ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लेंगे, अच्छे लगते हैं उपमा में डाले हुए। और इसी के साथ जो कॉर्न हमने
भुट्टे के दाने उबाल कर रखे हैं, बॉईल करके रखे हैं, उनको ऐड कर देंगे। और हो सके तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर भी थोड़ा सा इसे पकने देंगे, थोड़ा सा। जैसे ये मेरे पास है एक ये वाला सब्जी, मैंने पानी का डाल दिया है और इसे ढक कर थोड़ा सा पकाएंगे। फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं ढक देती हूँ इसे। तो 4-5 मिनट हो गए हैं ढके हुए इसे। अब हम चेक कर लेंगे, कॉर्न तो हमारे ऑलरेडी बिल्कुल सॉफ्ट थे। सभी मसालों के फ्लेवर इसमें ऐड करने के लिए, और जो दाल है हमारी वो भी थोड़ी पक जाए। 5 मिनट आप इसे अच्छी तरह, जो देखिए जो दाल थी हमारी वो भी पक गई है, 5 मिनट रख कर पका लीजिए, नहीं कच्ची कच्ची सी दाल अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से। अब इसमें हमने क्या करना है, जो ब्रेड को स्लाइस थे उनका चूरन जो ब्रेड को स्लाइस थे उनको हमने चूरा बना कर रखा था हाथ से ऐसे मैश करके, वो ऐड कर दिया है। और इसके मैश मतलब डालते ही अच्छी तरह मिक्स करना है, गैस का बर्नर कर देना बंद, मतलब इसे पकाना नहीं है, नहीं ये खिला खिला नहीं बनेगा। बस गैस का बर्नर बंद है, वैसे कढ़ाई पे रखा है ताकि सारे फ्लेवर उतरे। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक अपनी, इसके जितना हमारा मटीरियल है, आधा चम्मच मैंने नमक आधा टीस्पून ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसे अच्छी तरह नमक को मिक्स कर दूँगी, इसमें अच्छी तरह हम नमक को करेंगे मिक्स। हरे धनिए से तो इसकी अलग ही छटा बिखरती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सर्विंग बाउल में एक लेंगे सर्विंग बाउल और उसमें निकाल लेंगे। हाँ सॉरी, पहले सर्विंग बाउल से में सर्व करने से पहले हम इसमें नींबू का रस मिलाएंगे, जो मैंने आधा नींबू रखा था ना उसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि सर्विंग बाउल में अगर डाल देते हैं तो अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाएगा। जो मेरी डिश है ना थोड़ी स्टाइलिश सी है, कॉर्नर में चला जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले नींबू का रस ही मिक्स किया है। अब हम इसे, अगर हरा धनिया है तो ऊपर से आप हरा धनिया बारीक बारीक काट कर स्प्रिंकल कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये मतलब कि एक न्यूट्रिशियस, और बच्चों को कुछ ना कुछ वैरायटी भी चाहिए होती है, हम लोगों को भी चाहिए होती है, बोर हो जाते हैं अगर भुट्टे एज इट इज़ खा लेंगे। भुट्टे की और भी भुट्टे की चाट है मेरे चैनल पर, भुट्टे के स्नैक्स हैं वो भी आप ट्राई कर सकती हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। कट टमाटर रखिए, थोड़े से वो ऐड कर देंगे, और अगर हरा धनिया तो वो भी मिला देंगे। तो लीजिए, हमारा ब्रेड कॉर्न उपमा बनकर रेडी है। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और पानी बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, इसी के लिए ही हमारा जीवन है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।